तो यार अभी दो हफ्ते पहले दिसंबर में ही इंडिया की पहली स्मार्ट वॉच लॉन्च हुई थी जिसमें 4G ई कॉलिंग का सपोर्ट मिल रहा था 10,000 रुपए के प्राइस में। लॉन्च प्राइस था 10,000 रुपए, जिसका नाम था नॉइस की वोयाज, यानी कि नॉइस की वोयाज स्मार्ट वॉच आई थी और वहां पे 10,000 रुपए इसका प्राइस था। और मैंने उसी वक्त आपसे बोल दिया था कि भाई अभी जल्दीबाजी मत करो, बहुत जल्दी आपको बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस देखने को मिलने वाली है नए साल में। और अभी नए साल का पहला हफ्ता भी नहीं बीता है जहां पे फायरबोल्ट ने निकाल दी है अपनी फायरबोल्ट ड्रीम। ये स्मार्ट वॉच नहीं है, ये स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन से ज्यादा ये एक रिस्ट फोन है, क्योंकि यार आपके रिस्ट पे रहेगी स्मार्ट वॉच का ही फीचर सबको देखने को मिलेगा। साथ में आपको एंड्रॉइड का पूरा फीचर देखने को मिलने वाला है, जो कुछ आप एक स्मार्टफोन में कर सकते हो सब कुछ ये स्मार्ट वॉच यानी कि रिस्ट वॉच आपके फोन का सारा काम कर देगी। तो चलिए बताता हूँ इसके क्या है प्रोज एंड कॉन्स, कि आपको इसे लेनी चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यार जिस प्राइस सेगमेंट में आ रही काफी अग्रेसिव प्राइस है, काफी तगड़ी डील हो सकती है अगर आप इस स्मार्टफोन यानी कि रिस्ट फोन को लेना चाहते हो तो। मैं बार बार स्मार्टफोन बोल रहा हूँ क्योंकि यार रिस्ट फोन है और इसमें सब कुछ आपको मिलने वाला है एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन में जो मिलता है। तो चलो बिना किसी देर वीडियो शुरू करते हैं, बने रहिए, तुरंत वापस आते हैं। तो और बताओ यार कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो यार हम बात कर रहे हैं फायरबोल्ट ड्रीम की, जो इंडिया की पहली रिस्ट फोन होने वाली है, यानी कि आपके स्मार्ट वॉच की तरह ही होगी, लेकिन इसमें पूरा कुछ जो कुछ भी आप स्मार्टफोन में कर पाते हो, एंड्रॉइड फोन में कर पाते हो, सब कुछ आप इसमें कर पाओगे। तो यार काफ़ी अच्छी डील हो सकती है जिस प्राइस में ये आने वाली है, लेकिन उससे पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप नैनो सिम यूज़ कर पाओगे, 4G नैनो सिम आराम से लगा सकते हो, सारे काम हो जाएंगे आपके जो एक स्मार्टफोन से होते हैं, कॉलिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, यहां पे डिस्प्ले की बात करें तो 2.2 इंच की ट्रू डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जहां पे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा और साथ में 600 निट्स की ब्राइटनेस। तो डे टू डे लाइफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप बाहर भी जाते हो तो वहां पे कोई दिक्कत होगी नहीं। और यार 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले तो आपको एंड्रॉइड फोन में भी मिलती है और यहां स्मार्टफोन में यानी कि रिस्ट फोन में भी आपको देखने को मिलने वाली है। अब इसे एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच कह लो या रिस्ट फोन कह लो, इसके अंदर आपको प्ले स्टोर का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि आप गेम वगैरह जो कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हो, चाहे आप कोई गेम इंस्टॉल करना चाहो या नेटफ्लिक्स, उबर, रैपिडो, जोमैटो, कुछ भी इंस्टॉल करना चाहो सब कुछ चलेगा, व्हाट्सएप वगैरह हर चीज चलने वाली है, कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आप एक स्मार्टफोन में कर सकते हो और इस रिस्ट फोन में ना कर पाओ। यानी कि फायरबोल्ट ड्रीम पूरी की पूरी कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन बन चुकी है जो आपके रिस्ट पे आ जाएगी, मैसेजेस के रिप्लाई कर सकोगे, चाहे वो व्हाट्सअप, फेसबुक, कहीं भी हो, कुछ भी आपको करना है आप कर सकते हो। वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट है, गूगल सपोर्ट जो मिलता है, गूगल असिस्टेंट, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। 2GB रैम, 16GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जहां पे कॉर्टेक्स क्वाड कोर का प्रोसेसर लगा हुआ है। रही बात स्मार्ट वॉच के फीचर्स की, तो वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, यानी कि हेल्थ मॉनिटर वगैरह, जहां पे हार्ट रेट सेंसर, बीपी मॉनिटर, ये सब चीजें होती हैं, तो वो सब आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको स्पोर्ट्स मोड भी देखने को मिल जाएगा, तो स्मार्ट वॉच के भी सारे काम करेगी और स्मार्टफोन का भी सारा काम करेगी। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 800 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो यार आराम से 36 घंटे चलेगी, अगर आप एक्सट्रीम यूज करते हो यानी कि आप यूट्यूब भी चला रहे हो, फेसबुक भी चला रहे हो, व्हाट्सएप भी चला रहे हो, उबर, रैपिडो, हर चीज चला रहे हो, तो भाई यहाँ पे जो 4 घंटे का बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि एक्सट्रीम यूज पे 4 घंटे का बैकअप मिल जाएगा, जो कि मैं कह सकता हूँ कि आप जैसा नॉर्मल अपने स्मार्टफोन को यूज करते हो अगर वैसे यूज करोगे तो 6 से 7 घंटे चलेगी, तो यार जो कि बहुत सही चीज है और 2 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि आपको इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। 6,000 रुपये इसका प्राइस है, लेकिन ये आपको 5,500 रुपए के आसपास देने को मिल जाएगी अगर आपके पास कुछ सुपर कॉइन्स वगैरह हैं फ्लिपकार्ट के, तो या फिर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड या कार्ड है तो वहां पे 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन मैं इसको 6,000 रुपए का ही कंसीडर करूंगा, क्या 6,000 रुपए में ये वर्थ इट है या नहीं है। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता देता हूं यार आपको, क्योंकि यार यहां पे मैं Q&A सेशन चला रहा हूं, यानी कि टेक Q&A सेशन चला रहा हूं, अगर आपके कोई भी डाउट्स है ना तो आप मुझे कमेंट करके पूछो, मैं आप सभी के कमेंट को पिक करने वाला हूं। हर संडे को शाम को 5 बजे वीडियो आ जाया करेगी, जहां पे मैं आप सभी के सारे कमेंट पिक कर लूंगा, क्योंकि यार बहुत सारे लोगों के कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूं, मिस हो जाते हैं, मैं ट्राई करता हूं सबका रिप्लाई करने का लेकिन बहुत सारे मिस हो जाते हैं। तो मैंने ट्राई किया है कि यार चलो आप सभी के कमेंट को पिक कर लिया करूंगा और एक वीडियो में ला दिया करूंगा, जहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा जो भी आप क्वेश्चन करोगे। तो यार कमेंट करो जाकर, जो कुछ भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हो, कभी भी आप पूछो, किसी भी वीडियो में पूछो, आप सभी के कमेंट्स हर संडे को पिक कर लिया करूंगा। तो चलो जल्दी से बात करते हैं इसके कॉन्स की, क्या बुराइयां हैं, फिर बात करेंगे क्या अच्छाइयां हैं, क्योंकि यार हर किसी के लिए है जो कुछ अच्छा हो सकता है कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि आपके यूजेस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे यूजर हो, आप कैसे यूज करते हो किसी भी डिवाइस को। तो सबसे पहले क्योंकि यार हम बात कर रहे हैं स्मार्ट वॉच की, क्योंकि साइज तो आपको 2.2 इंच का मिलेगा, तो अगर मैं देखूं तो यार यहां पे आप यूट्यूब देखोगे, नेटफ्लिक्स देखोगे तो इसमें आपको उतना मजा नहीं आएगा। रीजन इसका कि भाई बहुत छोटी डिस्प्ले है, इसमें आप कितनी देर जो वीडियो देखना पसंद करोगे, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है या लैपटॉप है या टैबलेट है तो आप उसमें ज्यादा एंजॉय करते हो कोई भी नेटफ्लिक्स सीरीज
सीरीज देखना हो या वीडियो देखना हो, तो एक स्मार्ट वॉच के अंदर इतनी छोटी स्मार्ट वॉच के अंदर इतनी छोटे डिस्प्ले में मुझे नहीं लगता कि इतना कन्वीनियंट होगा आपको कुछ देखने में। हाँ, ये चीज़ अलग है कि कभी क्रिकेट वगैरह देखना है कहीं बाहर हो, स्मार्टफोन में बैटरी नहीं है या कुछ है तो आप उसमें देख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास स्मार्टफोन होगा तो आपको क्रिकेट देखना हो, नेटफ्लिक्स देखना हो, कुछ भी देखना हो तो आप अपने स्मार्टफोन में देखना ज़्यादा पसंद करोगे। दूसरा पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया कि प्ले स्टोर इसमें है तो यहाँ पर आप गेम वगैरह भी इंस्टॉल कर पाओगे, लेकिन आप गेमिंग भी इसमें नहीं सही से कर सकते हो क्योंकि बहुत छोटी डिस्प्ले, अगेन वही चीज़ प्रॉब्लम आएगी। एक स्मार्टफोन में आपको सबवे सफर खेलना होता है तो बड़े आराम से खेल सकते हो, लेकिन स्मार्ट वॉच में इतनी छोटी सी डिस्प्ले में आप कैसे खेलोगे, तो वो चीज़ काम की नहीं है। गेमिंग वगैरह तो आपको दे रहे हैं क्योंकि एंड्रॉइड है, पूरा का पूरा एंड्रॉइड है, तो यहाँ पे आपको फीचर सारे मिलेंगे लेकिन हर फीचर को आप इतनी छोटी सी डिस्प्ले में यूज नहीं कर पाओगे। किसी भी वेबसाइट पे कुछ परचेजिंग करनी है या पेमेंट वगैरह करना है गूगल पे वगैरह में, वहाँ पे भी बहुत सारा इशू आएगा, बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाएगा क्योंकि यार यहाँ पे स्मार्टफोन में आप ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को कर पाओगे। तो ये छोटे मोटे से प्रॉब्लम है जो आपको डे टू डे लाइफ में फेस करने पड़ेंगे। और सीधी सी बात है यार कि जो डिस्प्ले बैरियर है वो तो रहेगा ही क्योंकि रिस्ट फोन है तो इसका साइज तो बड़ा नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं इसके प्रॉस की क्या अच्छाइयां हैं। तो भाई देखो, सीधी सी चीज़ है, पहली बात तो आपको स्मार्टफोन की ज़रूरत ही नहीं है, आप घर पर रख के स्मार्टफोन को जा सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉलिंग वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि ब्लूटूथ का भी सपोर्ट मिल जाता है, आपके ईयरबड्स नेकबैंड सब इसमें कनेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे कॉलिंग में भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। अब पूरा का पूरा एंड्रॉइड होने की वजह से यहाँ पे आपको गूगल मैप का भी जो एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि यार आप कहीं पर रास्ते में कहीं जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो तो आपको बार बार फोन निकालने की जरूरत नहीं है, मैप को देखने की जरूरत नहीं है, आपके रिस्ट फोन में ही आसानी से आपको पूरा नेविगेशन देखने को मिल जाएगा, आराम से आप ट्रैक कर सकते हो रूट को, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है यार। और फाइनली स्मार्टफोन भी है और स्मार्ट वॉच भी है तो दोनों मिलकर रिस्ट फोन बना देते हैं जहां पे आपको स्मार्ट वॉच के भी सारे फीचर मिल जाते हैं और स्मार्टफोन तो है ही है। तो यार ओवरऑल सारे फीचर प्रोज एंड कॉन्स को देखा जाए तो काफी अच्छी डील है क्योंकि यार 6000 रुपए की प्राइस में जो कुछ भी मिल रहा है ना, मैं इसको कहीं से ओवर प्राइस नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा अपीलिंग है। और मुझे लगता है कि अगर आपको लेना चाहते हो कोई स्मार्ट वॉच तो आपको इसकी तरफ जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे और काफी यूजफुल है। और अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करो यार, आप सभी के कमेंट को मैं रिप्लाई करूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो आप सभी के कमेंट को पिक कर लूंगा, प्रॉपर एक वीडियो आ जाएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके जाना, आगे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो चलो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।